फ्रेंड आपको मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2019-22 एंड स्पेशल परीक्षा, ऐसे विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड आप सभी को मालूम है कि आपका परीक्षा फॉर्म बहुत जल्द भरा गया, बहुत जल्द डेट शीट आ गया तथा अब आपका जो एग्ज़ाम है 30 मई से स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि आप सभी का एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है जेपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा रेगुलर वाला है तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जो स्पेशल वाले हैं उनका जारी नहीं हुआ है। फ्रेंड आप रेगुलर वाले हों चाहे स्पेशल वाले हों, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप अपने कॉलेज में जा कर के ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि छात्र को तो यूजर नेम होता ही है लेकिन कॉलेज को भी यूजर नेम दिया जाता है जहां से कॉलेज आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे देगा। तो आप सभी को घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप सभी को बहुत बार इस बात को बता चुका हूँ कि आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिड मात्र 5 साल होती है। यहाँ पर कोई कोई ऐसा भी कमेंट करता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम, रजिस्ट्रेशन की वैलिड 10 साल होती है। बहुत सारे रजिस्ट्रे होते हैं जो कमेंट करते हैं। यहाँ पहले तो उनको भाषा का प्रयोग नहीं करने आता है कि किस तरह से किसके साथ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं यहाँ पर बहुत बार आप सभी को बता चुका हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन की वैलिड मात्र 5 साल होती है। और आप यहाँ पर मान लीजिए कि पार्ट वन में एक बार आप लोग फेल हो गए तो आप सभी दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर दोबारा भी फेल हो गए तो तिबारा आप दे सकते हैं, तिबारा में आपको पास होना चाहिए। उसके बाद पार्ट टू में अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए तो पार्ट टू में पास होना चाहिए, प्रमोटेड नहीं होना चाहिए। फिर पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम दिए तो पार्ट थर्ड में भी आप लोगों को पास होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप एक एग्ज़ाम पार्ट वन हो, पार्ट टू हो, पार्ट थ्री हो, आप 3 बार दे सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं दे सकते हैं। तो ये तो हुआ कि आप सभी अगर 5 साल में क्लियर नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपका स्पेशल एग्ज़ाम ले तो वहाँ पर आप सभी को डिसाइड किया जाता है कि कितने साल तक आप सभी को स्पेशल एग्ज़ाम देना है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरवा लिया गया है और जब यूनिवर्सिटी में उनका परीक्षा फॉर्म गया, यहाँ पर जांच भी कर लिया गया कि हाँ हर चीज़ आपका सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ आपका परीक्षा फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया और कॉलेज से फ़ोन आता है कि आप अपना पैसा आकर ले जाइए, आपका जो परीक्षा फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड यही आपका रीज़न हो सकता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि आप सभी को इस बात को ध्यान में रखकर चलना होगा कि एक रजिस्ट्रेशन का वैलिड मात्र 5 साल ही होता है। तो फ्रेंड ऐसे स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे जिनका परीक्षा फॉर्म को रद्द कर दिया गया है। अब रोने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप सभी अब किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जा कर के नामांकन ले सकते हैं, अब आपका कुछ होने वाला नहीं है। चलिए फिर मैं कोशिश किया हूँ कि आपको मैं इस बात को समझा पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट कि सर अब क्या होगा, ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है यूनिवर्सिटी के तरफ से, कॉलेज के तरफ से। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ, लेकिन मुझसे जो हो पाएगा मैं वही कर पाता हूँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।